जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है आपको? प्रार्थना, ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करे, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो, कंट्रोल। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah। तो आप सबका स्वागत है फिर से एक बार इस रविवार की सभा में, और ये समय प्रार्थना का है। जहाँ पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और प्रेयर पोजीशन ले सकते हैं, ताकि हम साथ में इस प्रार्थना को कर सकें। अपनी आंखें बंद करिए और परमेश्वर पर अपना ध्यान लगाए, उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद दीजिए। ये धन्यवादिता का महीना है, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। हर व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सके। लिब्रोजा खाली ब्रो दाला मांग क्रोन से के बोलो वो शकारा मांग दे गई प्रभा ओ रबा ली गा सोरे कांद लिब्र मांग ली गो से के ली गो से की रब आंग प्रो दो रो मो शकी ब्रो बोन दे गा जी दरा ली रा मांग के रो शका बा ली ग्रो से की रा ला मांग क्रोन दे गा जी प्रभा दरा बा हरिंग दिगी प्रबोन दलिगा जीरा लमान दलिगे ली प्रबोन दलिगा आंक्रो से ईरा लमान द्रोबे ब्रोंस आंक लीजा ली प्रबोश के प्रबोन दलिगा जीब्रा मां को से के ईरा लबहान दे ली प्रबोश का ली प्रबोन द ली ब्रावां क्रो से के ईरा मां क्रोलों द गीजा क्रों द गीजा क्रों द गीजा का का कोलों दलिगा जीर बोन दलिगा जी दरा लो बाबा 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 दी को जा बाबा काले ब्रबा ले ब्रबा ले ब्रबा ले ब्रबा ले क्रों दलिगा जीरा लमान को दोन दरा ओ जाका ले गे ब्रबा बांध दे ले गे ओ हालेलुया। परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। परमेश्वर, हम कहते हैं आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपकी महिमा हो परमेश्वर, आपकी ही स्तुति हो परमेश्वर। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा प्रार्थना बिंदु है, हमारे आत्मा जीतने वाली गतिविधियों के प्रभाव के लिए प्रार्थना करें। रोमियो पहला अध्याय 16 से 17 वचन कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की सत्यनिष्ठा विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से सत्यनिष्ठ जन जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने हमें अपने आसपास के न बचाए गए लोगों तक अच्छाई, मुक्ति और प्रेम का संदेश सुनाने के लिए चुना। प्रार्थना कीजिए कि जैसे ही हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, हमारे शहर और नजदीकी क्षेत्रों में सत्यनिष्ठा प्रवाहित है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में आत्माओं के आने की बाढ़ आ रही है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे कि इस अनुग्रह के मौसम में, इस अवसर के मौसम में, इस सेलिब्रेशन के अवसर में, हर जगह आत्माओं की बाढ़ हमारे चर्चिस में, हमारे सेंटर्स में, हमारे सेल में आ रही, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर जगह सुसमाचार मुक्त रूप से प्रचार किया जा रहा है, बिना रुकावट के, बिना रोक टोक के सुसमाचार हर घर में पहुंच रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। री ब्रो सकाला मान दिल्ली प्रभु उन दिल्ली गजीरा ला मांग को तुम ब्रोलो सका आकोश 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 मीन तले के प्रभा ली प्रबांध लोन दले के जी तरह
ring di brobon dal gazira mandele libra mande lo cosa ha lo cosa chi bramande le che mandre li casso de gaza halaka raga gale gaza hale gaza galiga gaza galiga gaza galiga ba haso balo 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 da la kaba balo 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 da la kaba ha bankre le bosha ha bankre le mosha ka di gramandre che sa bank de be se be se be se che libra manco rosha ha libra manco a che sa ira kosha kira la manco dombro londa gazidara dombra la mang libro boshe kira la mande le bronde le gazira la bande le o zakalige o zakalige o zakalige o zakalige bro boshe kabari ge bro boshe kabari ge bro boshe kabari bre bra babando lon saha ibra mamando lo ba ibra mamando lo ba ibra babando lo ba ibra bakazo zakagare ga kasoka kaso ka ka di bromba bank libra mang libra bank de libra band libra band libra mang lon de le gazidara o zababari gron de le gazidara manco los angle bonde le gazidara libro mando lo cobra ma cale ge bro vo shakira la ma libro bahaze libro bonde le gazibra ma casu com anki caso che cacas chi che cacas cusa manc libro mando le ge libro mando libro mando libro mando le ge bro vo shaka ora bahale ge baha libro ba so che bro bahale ge libro ba cosa cale bonde le gazida libro bahaze ge le bro bonde le ga libro bahaze o dhanyavad parmeshwar dhanyavad 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 परमेश्वर हर जगह हाँ परमेश्वर पूरे देश में हाँ पूरे विश्व भर में हाँ परमेश्वर विशेष रूप से भारत भूटान नेपाल बांग्लादेश हाँ परमेश्वर इन देशों में हर जगह सुसमाचार के काम हर जगह तेजी से हो रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हाँ परमेश्वर इस अनुग्रह के मौसम में हाँ परमेश्वर उत्सव के मौसम में हाँ लोग निर्भीक होकर परमेश्वर सुसमाचार सुना रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में निर्भीकता से सुसमाचार का प्रचार कर रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हाँ परमेश्वर सुसमाचार के लिए दरवाजे हर जगह खुले होंगे लोगों के हृदय परमेश्वर खुले हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में ओ धन्यवाद 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 परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए परमेश्वर सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर आपने हमें दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का उत्सव मना सके ओ धन्यवाद परमेश्वर हम उस जीवन का उत्सव मना सके जो परमेश्वर आपने हमें दिया है ओ धन्यवाद 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 परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद देते हैं परमेश्वर और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में करते हैं आमीन। सर्वशक्तिमान है हमारी स्तुति और प्रशंसा के योग परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद 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 प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए करुणा के लिए और प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु धन्यवाद हमारे उद्धार के लिए धन्यवाद हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद वचन के ज्ञान के लिए धन्यवाद हमारी आत्मिक समझ को खोलने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु उस उत्साह के लिए जो आप हमारी आत्माओं में अपने आत्मा के द्वारा देते हैं धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन को सीखें और आगे बढ़ें हम कहते हैं प्रभु हमारी आत्माएं हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वाओ बैठ सकते हैं चिल्ला सकते हैं महिमा। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है कह सकते हैं परमेश्वर ने खुशी बोली परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है और ये वो सोच है जो एक मसीह के रूप में आपके पास 24 घंटे होनी कि परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है इनफैक्ट परमेश्वर ने आपको सारी दुनिया दी है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बट एक चीज एक एक वस्तु जो केवल परमेश्वर ही दे सकता है अभी हमने पैसे की गवाही सुनी इंसान भी आपको पैसा दे सकता है बट वो सारी चीजें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं उसमें कुछ चीजें हैं जो केवल परमेश्वर ही दे सकता है और उसमें सबसे पहली चीज जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं वो है अनंत जीवन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। चलिए हम ओपनिंग स्क्रिप्चर खोलते हैं यूहन्ना 3:16 लिखा है क्योंकि वाओ प्रेज द लॉर्ड
चौकी बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम वापस आएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे पीछे पढ़ सकते हैं इसको, पढ़िए 1, 2, 3 आ, 1, 2, 3 शुरू कीजिए। परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर ने सबसे बड़ी चीज जो हमें दी, जैसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। ये एक पहली वस्तु है, ये एक पहली चीज है जो आपको मिलती है जब आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए अनंत जीवन। खुश हो के बोलिए अनंत जीवन, अनंत जीवन, अनंत जीवन। आपको नहीं पता है कि ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि जीवन केवल परमेश्वर के हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी इंसान हमें जीवन देने का वादा नहीं कर सकता, कोई भी इंसान, क्योंकि जीवन वही दे सकता है जिसके पास खुद जीवन है। सोच के देखिए, इंसान पहले दिन पैदा होता है और उस दिन से सारी कोशिशें की जाती हैं उसको मरने से रोकने के लिए। बच्चे को हम कपड़े पहनाते हैं कि बच्चा मर ना जाए, बच्चे को हम दूध पिलाते हैं कहीं बच्चा मर ना जाए। पहले दिन से, जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है, अब इंसान की पूरी कोशिश होती है इस व्यक्ति को जिंदा रखने की, मरने से बचाने की। सोच के देखिए। तो जब कोई कहता है कि ओ मैं जिंदगी जी रहा हूं, सवाल यह है वो जिंदगी जी रहा है या मौत से बच रहा है, सवाल है। क्या वो वाकई में जिंदगी जी रहा है? अब अपने आप से पूछिएगा, आपके एफर्ट किस लिए होते हैं? आप खाना क्यों खाते हो? सांस क्यों लेते हो? क्योंकि आपको पता नहीं लोगे तो मर जाओ, आपको पता खाना नहीं खाओगे तो मर जाओ। आपके सारे प्रयास जिंदा रहने के लिए है ही नहीं, आपके सारे प्रयास अपने आप को मौत से बचाने के लिए। और उसके बाद भी मनुष्य क्या कहता है? मौत तो आनी ही है। सोच के देखिए, सोच के देखिए। बोले जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही। इनकी पूरी जिंदगी मौत से बचने पे लगी हुई है और ये भी जानते हैं कि इनको मौत आएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वह परमेश्वर ने अपने प्रेम में इस नियम को बदल दिया और हमें अनंत जीवन दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपको समझना है कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया। बहुत सी बार लोग नहीं समझते, बोले अरे चर्च में जाके हमें क्या मिला। मैंने कि आपको वो मिला जो आपके माँ बाप भी आपको नहीं दे पाए। आपके माँ बाप से पूछिएगा, जब उन्होंने आपको पैदा किया उनके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या थी? आपको मरने से बचाना, ना कि आपको जिंदगी देना। उनके सारे प्रयास आपको मरने से बचाने पे लगे हुए, कहीं निमोनिया ना हो जाए, कहीं जॉन्डिस ना हो जाए। और इसी चीज का दुनिया ने फायदा उठाया। उन्होंने वैक्सीन बेचना शुरू कर दी, उन्होंने जीवन बीमा पॉलिसी बेचना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में आ गया इंसान मरने से बचना चाहता है। इंसान ने मौत को सच्चाई मान लिया है, और क्योंकि इंसान ने मौत को सच्चाई मान लिया है, अब वो उन चीजों को करना चाहता है ताकि वो मौत से बच सके या मरने के बाद मरने से होने वाले नुकसान की भरपाई कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? नो, आपको बैठ के सोचना पड़ेगा। चुनौती ये है कि हम सोचने का काम दूसरों को दे देते हैं जो हमसे प्रेम नहीं करते। हम बैठ के सोचते नहीं है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। हम आते हैं चर्च में, हम चाहते हैं बस पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, बस प्रमोशन हो जाए। ये सब तो दुनिया के पास भी है, बिना मांगे भी है।
फिर मैं और आप चर्च में क्यों आए? मैंने और आपने परमेश्वर को क्यों ग्रहण किया? आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा कि इस परमेश्वर को आप क्यों मानते हो? क्या है ये परमेश्वर आपके लिए? क्यों बहुत से लोग बस यही है। कुछ लोग तो पास्टर से भी पैसा मांगने की सोच रहे, बोले पास्टर वो हमें एक जमीन खरीदनी है, क्या आप पैसा दे सकते हो? कम ऑन, कैसे कोई इंसान चर्च में आ सकता है और पास्टर से ही कुछ पाने की आशा कर सकता है? कैसे कोई आ सकता है? तो आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा, ये आप जो जी रहे हो वो क्यों जी रहे? क्या आप जी भी रहे हो? यूहन्ना 10:10, चलिए, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रेज द लॉर्ड। बोली परमेश्वर हमें जीवन देने आया, पर यीशु मसीह हमें जीवन देने आया। सोच के देखिए क्या लिखा है बाप। चलिए AMPC में देख लेते हैं। चोर केवल चोरी करने, नष्ट करने और घात करने आता है, मैं आया ताकि उनके पास जीवन हो और वो जीवन का आनंद मनाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले जीवन आनंद मनाने के लिए है। इतने खुशी हो, इतने थके हो कि बोल रहे हैं आप? बोले जीवन आनंद मनाने के लिए है, जीवन आनंद मनाने के लिए है। और परमेश्वर भी चाहता है कि आप जीवन का आनंद मनाओ, पर इससे पहले आप जीवन का आनंद मनाओ, आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास जीवन है। आपको मौत से डरने की जरूरत नहीं है। आपको मौत के डर को अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। आपको अपने कार्यों को देखना पड़ेगा, कहीं आपके स्टेप, कहीं आपके कदम अभी भी अपने आप को मौत से बचाने के लिए तो नहीं है। शायद आपको ना पता कि आप अभी भी उसी जिंदगी को जी रहे हो जो आपके मां बाप ने आपको पहले दिन से जीना सिखाई थी, मौत से बचाना, मौत से बचाना। आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी जिंदगी जी रहे हो। क्या जीवन आपका लक्ष्य है? प्रेज द लॉर्ड्स। क्या जीवन आपका लक्ष्य है? क्या आपने वास्तव में मान लिया है, क्या आपने वास्तव में समझ लिया है कि आप मर नहीं सकते? हालेलुया, कम ऑन। बोली मैं मर नहीं सकता। हेलो, बोली मैं मर नहीं सकता, मेरा नाश नहीं हो सकता। यूहन्ना 3:16 देखिए, वहां पर कितनी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। ओ हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। बोली मेरा नाश नहीं हो सकता, मेरा नाश नहीं हो सकता। तो आप किसी भी चुनौती में क्यों ना हो और आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो, आप इस वचन को ले सकते हो और चिल्ला सकते हो कि मेरा नाश नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ये नियम है, ये परमेश्वर ने एक नियम बना दिया कि जो यीशु में विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा। बोलिए मेरा नाश नहीं होगा, मेरा नाश नहीं होगा। खुश होकर नहीं बोल सकते? बोलिए मेरा नाश नहीं होगा, मैं नष्ट नहीं हो सकता। तो अपने दिमाग से ओ कि मैं असफल हो जाऊंगा, कोई मुझे मार डालेगा, मैं कल मर जाऊंगा, इन सारे विचारों को निकाल दीजिए। जब तक आपके पास ये विचार हैं, तब तक आप इस जीवन का आनंद नहीं ले पाओगे। और परमेश्वर चाहता है आपके अंदर से ये डर निकल जाए। वो चाहता है आपको पता लग जाए कि तुम्हारे अंदर क्या है, अनंत जीवन। प्रेज द लॉर्ड, मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। आपकी आंखों की चमक बता देगी। बोले मेरा नाश नहीं हो सकता, मैं मर नहीं सकता, मैं नष्ट नहीं हो सकता। हालेलुया। चाहे कितना भी कर्जा क्यों ना हो, हिम्मत कीजिएगा और कहेगा नहीं, भले ही कितना भी कर्जा क्यों नहीं है, मेरा नाश नहीं होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, मेरा नाश नहीं होने वाला, मेरा नाश नहीं हो सकता। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, आप मर नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर जो जीवन है वो कौन सा है? अनंत जीवन, अनंत जीवन। और अनंत जीवन की परिभाषा लिख लीजिए और इस पर मनन कीजिएगा, सही ना? अनंत जीवन की परिभाषा पास्टर क्रिस ने दी। पहले मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, फिर हिंदी में बोल देता हूं। अनंत जीवन का मतलब है एजलेस, विदाउट अ बिगनिंग नॉर एंड,
इट इज टाइमलेस, इट मीन्स इनकरप्टिबिलिटी, इनडिस्ट्रक्टिबल, इम्पेरिशेबल, नॉट सब्जेक्ट टू फेलियर, नॉट सब्जेक्ट टू, दिस इज ब्यूटिफुल. कितने लिख ली इंग्लिश में, जो इंग्लिश वाले हैं सही ना, चिरा युवा अवस्था लिख लीजिए. इसका मतलब है चिर युवा अवस्था. लिख भी रहे कैसे देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सही है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे. अब सवाल है, क्या आप विश्वास करते हो? कितने लोग विश्वास करते हैं? पक्का विश्वास करते? क्या विश्वास करते? अच्छा चलिए, क्या विश्वास करते? हाँ चलिए, क्या विश्वास करते? अनंत जीवन दिया है. नहीं, वो तो तब मिलेगा जब विश्वास करेंगे, पर विश्वास क्या करना है? परमेश्वर. क्या विश्वास करने पर आनंद जीवन मिलेगा? लिखा है ना कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई विश्वास करे. तो अब सवाल है, किस पर विश्वास करना है? किस चीज पर विश्वास करने से आनंद जीवन मिलेगा? परमेश्वर पर विश्वास करना. परमेश्वर तो कोई भी विश्वास कर सकता है. किस चीज पर विश्वास करने से आनंद जीवन मिलता है? कि यीशु हमारा प्रभु और स्वामी है. रोमन 10:9 चलिए दिखा दो. रोमियो 10:9 देखा, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा. यह आपका जवाब होना चाहिए. तो बहुत से लोग जब कहते हैं हम परेशानी में हैं, मैं कहता हूं आपको पता कितना है. अब ये बनवंशी साहब है, अब ये कहे हम आगे नहीं बढ़ रहे, मैं क्या कहूंगा आपको पता कितना है? कुछ नहीं पता इन्हें, फिर कैसे शिकायत करेंगे हम आगे नहीं बढ़ रहे. ये सर से मैं पूछूं आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, कुछ नहीं पता है. इनसे पूछूं जाके कि क्यों आगे नहीं बढ़ रहे, कुछ नहीं पता. इससे पूछूं नहीं पता, रेणुका को नहीं पता, फिर ये लोग कैसे शिकायत कर सकते हैं हम आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि बेसिक चीजें इन्हें नहीं पता है. तो आपको अपने आप से पूछना है कि मुझे क्या पता है. बहुत सी बार लोग शिकायत ही करते हैं, हम चर्च में गए, पर चर्च में जाने के बाद आपको क्या पता है, वो सवाल कौन पूछे? आप चर्च में बैठ के कुर्सी पे बैठा है पर कुछ पता है नहीं आपको, तो आप कहां से बदल जाओगे, कहां से जिंदगी बदलेगी? बैठने से, क्लास में बैठने से किताब दिमाग में नहीं जाती. प्रेज़ द लॉर्ड. अगर अटेंडेंस से पढ़ाई समझ में आ जाती तो हर बच्चा क्या हो जाता, पास. तो चर्च में आप आ गए, बैठे हुए हो, पर क्या आपको समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है? जैसे वो महिला ने लगाया, तो कम से कम पैसा लगाया, उसका पैसा आया, उसको समझ में आया. आपको लग सकता है वो महिला अनपढ़ है, पर मेरे हिसाब से बहुत पढ़ी लिखी है, क्योंकि उसे पैसे का खेल समझाया गया, उसने पैसे का खेल खेलना शुरू कर दिया. सोच के देखिए, थोड़े दिनों वो महिला पता नहीं कहां पहुंच जाए. आज वो हमें गवाही दे रही, मुझे 6,000 मिले, कल वो कहेंगे 60,000 मिले, कल वो कहेंगे 6,00,000 मिले, कल वो कहेंगे 6 करोड़ मिले, पता नहीं क्या होने वाला है. क्योंकि उस महिला ने मन बनाया कि जो चर्च में कहा जा रहा है उसे मैं समझूंगी, उसे मैं लगाऊंगी. तो जब हम सिखा रहे हैं आपको चर्च में, क्या आप अपना मन बनाते हो या वैसे ही जीते रहते? चुनौती ये है कि लोग जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाते, वैसे ही सोचेंगे, वैसे ही जिएंगे, और फिर वो बदलाव चाहते हैं. मैं कहता हूं आप मजाक कर रहे हो. प्रेज़ द लॉर्ड. अगर आपको बदलाव चाहिए तो आपकी सोच में और आपकी जीने के तरीके में बदलाव होना पड़ेगा. अभी मैंने पूछा, नहीं पता. प्रेज़ द लॉर्ड. और ये अच्छा नहीं है. आपको अपने आप से कठिन सवाल पूछने हैं. चर्च में जाके मेरा दिमाग क्या बदला, मुझे क्या पता है अब जो सिखाया जाता है उसमें से. जब मैं रेप्सोडी पढ़ता हूं, मुझे पता भी है नहीं पता है. अगर आपको नहीं पता है, आप आगे नहीं बढ़ पाओ. आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, अगर प्रार्थना करने से लोग आगे बढ़ते तो पता नहीं कब के बढ़ गए हो. ध्यान रखिए, हमने आपको सिखाया है, आपको वो नहीं मिलता है जो आप प्रार्थना करते हो, आपको वो मिलता है जो आप लगातार सोचते हो और कहते हो, क्योंकि वो अब भी प्रार्थना है. तो आपने एक बार प्रार्थना की, प्रभु मुझे बचाओ, और आपने 100 बार सोचा कि मैं बचने वाला नहीं हूं, आप बचने वाले नहीं हो, क्योंकि आपने एक बार प्रार्थना की बचने की और 99 बार प्रार्थना की ना बचने. वो भी एक प्रार्थना थी जो आपने शायद मुंह से नहीं कही पर आपके दिल में हो रही थी.
तो बहुत से लोग को यह भी समझ में नहीं आता, अरे पास्टर मैंने तो प्रार्थना की पर जिंदगी नहीं बदली। सवाल यह कि आप 24 घंटे क्या सोचते हो, 24 घंटे क्या बोलते हो। सवाल यह नहीं कि आपने एक बार उठ के प्रार्थना करी, सवाल यह नहीं है। सवाल है 24 घंटे आपके दिमाग में क्या चल रहा है, 24 घंटे आप क्या बोल रहे। आपने एक बार प्रार्थना की, ओ मैं अमीर हूं, और 100 बार आपने क्या सोचा, मैं गरीब हूं। आप गरीब हो गए। एक बार करने से कुछ नहीं होने वाला। तो आपके पास वो ज्ञान आपकी आत्मा में लिए घूमना है कि आपको कोई चाटा मार के भी पूछे आपके मुंह से वो ज्ञान निकले। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा, आपको वो ज्ञान पता होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। है क्या? हेलो। आप सोचिए मैं बड़ा क्या सिखाऊं, मुझे पीछे ही जाना पड़ता है। यही कारण है कि जब हम कहते हैं आत्माएं जीतो, लोग आत्माएं नहीं जीतते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं आत्माएं जीतने से होता क्या है। वो जैसे थे 20 साल पहले वैसे ही आज भी, जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, सिवाय इसके पहले 4,000 के घर में रहते थे, 4,000 किराए देते थे, अब 10,000 के घर में रहते 10,000 किराए देते, पर हैं वहीं पर, बिल पे कर रहे हैं लाइफ में, बस लाइफ में बिल पे कर रहे हैं, बिल बढ़ गया है और कुछ नहीं हुआ। तनख्वाह बढ़ी है तो बिल भी बढ़ गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं बदला है। पहले 20 रुपए किलो का चावल खाते थे, 80 रुपए किलो का चावल खाते, पर अभी भी पेमेंट उतना ही, चावल ही खा रहे हो आप आखिर। प्रेज द लॉर्ड। हेलो। हैं क्या? कितने लोग हैं? तो आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि मुझे क्या पता है। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को धोखा मत दीजिएगा, सही है? बहुत से लोग अपने आप को धोखा देते हैं, जो चर्च में जाते हैं कुछ नहीं सीखते और ऐसे ही वापस चले जाते हैं। और उनके पति भी पूछते हैं, अरे तुम चर्च में जाती हो, बदली क्यों नहीं? बदली क्योंकि ये महिला कुछ नहीं सीख रही है, इसलिए इसका पति भी सवाल जो पूछ रहा है वो सही है कि तू चर्च में इतना गई, बदलाव क्या आया? कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि बदलाव वचन से आता जो इस औरत ने सीखा नहीं। आप कैसे दुनिया को बताओगे चर्च में गए और बदलाव नहीं आया? कैसे आप आत्माएं जीत पाओ? क्योंकि बदलाव तो दिखाई नहीं दे रहा है, और बदलाव तब आएगा जब आप वचन को सीख जाओ। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? ये इतना बच्चों का सवाल है, बच्चों का सवाल, वो भी नहीं पता। और हम सब अपने को बड़ा मानते, बोले हम बाप है दो बच्चों के, मैंने कहा आप दिमाग से दो बच्चे, क्योंकि आपको पता नहीं है छोटी सी बात। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपसे कहा गया फाउंडेशन स्कूल कर लो, नहीं कर पाएंगे, पास हो करा भी तो ऐसे, हाँ, कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रहा। प्रेज द लॉर्ड। बोली मैं बदल रहा हूं, खुश हो के बोली मैं बदल रहा हूं। सही है? तो अपना मन बनाइएगा इस बाइबल में गहरा जाने का। प्रेज द लॉर्ड। तो लिखा है, और जिनसे मैं सवाल नहीं पूछ पाया उनको अपना न्याय करना है, क्या उनको ये जवाब पता था? अगर नहीं पता था तो मत कहिएगा बच गए, आप एक्चुअली गए। भले ही मैं आपके पास नहीं आया, पर सवाल तो आ ही गया ना, और आपको जवाब नहीं पता था। अपने अपना न्याय कीजिएगा कि यार पता तो मुझे भी नहीं था, मैं क्या कर रहा हूं, क्या घास चील रहा हूं मैं यहां पे। अगर आपको नहीं पता था तो मत कि माइक्रोफोन मेरे पास नहीं आया, सवाल आया क्या, जवाब था आपके पास, और क्या सही जवाब था? तो मत सोचिएगा अरे अपन आज बच गए, अपन तक पास्टर नहीं आए। पर पास्टर नहीं आए पर आप फिर भी नहीं बचे, क्योंकि आपको जो सवाल का जवाब पता होना चाहिए था वो नहीं पता है, आप नहीं बचे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? बोली मेरा नाश नहीं हो सकता, खुश होकर बोली मेरा नाश नहीं हो सकता। पर कब नहीं हो सकता? जब ये हो। सही। तो विश्वास क्या करना है? कि यीशु प्रभु है। क्या है? बोली यीशु प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। अब कोई कह सकता है मैं कहता हूं यीशु प्रभु है, बट उसकी जिंदगी से दिख सकता है कि यीशु प्रभु नहीं, लग सकता। तो केवल कहना नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास केवल मुंह से नहीं है, विश्वास कर्मों से भी है। तो जो कोई कहता है यीशु मेरा प्रभु है, अब उसके जीवन की हर चीज केवल प्रभु चलाता है। नहीं तो कोई कह सकता है यीशु मेरा प्रभु है, पर मैं जीऊंगा अपनी जिंदगी, वो कह तो रहा है यीशु प्रभु है,
पर यीशु उसका प्रभु नहीं है, क्योंकि प्रभु का मतलब है अब आप अपने नहीं हो, किसके हो? उसके हो, और जो वो कहेगा वही आप करोगे, और जो वो नहीं कहेगा वो आप नहीं करोगे। जब तक ये चीजें आपकी जिंदगी में नहीं हैं, ये वचन आपको कभी भी काम करते हुए दिखाई नहीं देगा। और कोई आशा नहीं, बहुतों की जिंदगी में वचन कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो जानते नहीं है वचन लगाना कैसे। उस महिला ने लगाया, उस महिला के पास पैसे हैं, हैं या नहीं है? हमने उसको पैसे नहीं दिए, प्रेज द लॉर्ड, उसके पास पैसे हैं, जितने उसने दिए उससे ज्यादा उसके पास हैं। सोच के देखिए ना, उसके ऊपर कर्जा है, उसके पास बिजनेस के लिए भी पैसा है, और वो बो भी चुकी है। सोच के देखिए उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है। अच्छा खेल नहीं है, उसके पास 6, 2, 4, 3 हजार रुपए थे ना। सुबह कितने रुपए थे? कितने थे? 3 हजार थे। उसने 4 हजार किसी से लिए, कितने हो गए? 7 हजार। इसमें से उसने वो सामान खरीदा जो वो खरीदना, उसने बीज भी बोए, उसके बाद उसके पास पैसे आए, 6 हजार आए, 1700 आए, 500 आए, कितने? 8200। उसमें से वो कितने वापस करने हैं? 4 हजार। कितने? सोच के देखिए, अभी भी उसके पास क्या बचे हैं? पैसे बचे, सामान वो खरीद चुकी है, उधार वो उतार चुकी है, बीज वो बो चुकी है। चमत्कार नहीं है ये? फिर सुनो, सोच के देखिए, ये सब कुछ कर चुकी है जो इसको करना था, उधार भी उतार चुकी है, सामान भी खरीद चुकी है, उसके बाद उसके पास क्या है? और वो बीज भी बो चुकी है। वो वाह, बीज भी बो लिया, सामान भी खरीद लिया, उधार भी उतार दिया, घाटे में है वो। सुबह कितने थे उसके पास? उस 3000 में उसने कितना काम कर लिया, उसके बाद भी पैसे क्या हैं? और अभी भी बीज है, प्रेज द लॉर्ड। सोच के देख, सोच के देख, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उसने अपना मन बनाया, यीशु मेरा क्या है? प्रभु है। उसने कहा सुबह मैं अपने चर्च में बीज बो के आई थी, पर शाम को जब यहां पे आई तो फिर से बीज बोए जा रहे थे, उसने भी अपना बीज बोया। ये वो औरत है जो कह रही है यीशु मेरा प्रभु है। ये हमेशा वो करने को तैयार है जो परमेश्वर इससे कह रहा है, और इसको क्या मिल रहे हैं? परिणाम। जो यीशु को प्रभु माने, ये नहीं कि 4 घंटे के लिए यीशु प्रभु है और 20 घंटे के लिए हम प्रभु हैं, तब काम नहीं होगा। उस 20 घंटे में शैतान आपके साथ ऐसा 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 करेगा कि कल्याण हो जाए, प्रेज द लॉर्ड। कितने समझ में आ रहा है? अच्छा चलिए एग्जांपल, एक कितने को पता पुलिस वालों के पास वर्दी होती है? होती है। कितने को पता पुलिस वालों के पास वर्दी होती है? जब तक पुलिस वाला वर्दी पहना है, ट्रेन में टिकट नहीं लगेगा, बस में टिकट, पर ये पुलिस वाला बिना वर्दी के क्या है? ट्रेन में भी टिकट लगेगा या नहीं लगेगा? बाद में जाके लड़ ले, पर समझाए, पर लड़ाई हो चुकी होगी, पर अगर वर्दी पहना है तो कोई सवाल नहीं। कोई सवाल होगा? पूछेगा भी कोई नहीं। अगर ऑटो में बैठ जाओ, ऑटो वाले को पता है, इससे पूछना बेकार है। सब्जी वाला भी बाकियों को 20 रुपए किलो दे रहा होगा, तो इसको 10 रुपए किलो बोल दे, उसे पता है कि इसको तो बेमानी नहीं कर सकते, ये 10 रुपए ही दे दे काफी है, क्योंकि उसने क्या पहनी है? जिस समय वो वर्दी नहीं पहना है क्या हो रहा है? कोई उसकी सुन रहा है? वैसे ही आपके साथ, जितने समय तक आप मानते हो यीशु आपका प्रभु है, शैतान आपको नहीं छू सकता। पर जब आप कहते हो यीशु मेरा प्रभु नहीं है, शैतान भी कहता है चल अब तो बराबर के हैं, क्योंकि आपने वर्दी उतार दी, आपने मानना बंद कर दिया कि यीशु प्रभु, आपने वो करना शुरू कर दिया जो आप करना चाहते थे। प्रभु का मतलब है आप वही करो जो परमेश्वर ने करने को कहा है, आप वही जाओ जहां पर परमेश्वर जाने को कह रहा है, आप वही बोलो जो परमेश्वर ने बोलने को कहा है। तब आपको क्या दिखाई देगी? उसकी महिमा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उठाइए अपने हाथों, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना।
बोलिए अन्य भाषाओं में, इस बात को ध्यान में रखिए, बोलिए कि मेरे अंदर अनंत जीवन है, यीशु मेरा प्रभु है, मेरे अंदर अनंत जीवन है, मैं यीशु का हूँ। बोलिए मैं अपना नहीं हूँ, मैं यीशु का हूँ, जो वो चाहता है वही होगा मेरी जिंदगी में, यीशु के नाम में आमीन। चिल्ला सकते हैं महिमा महिमा। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। मेरा नाम सविता साबले है, मैं ठाणा चर्च से हूँ। सबसे पहले मैं हमारे पास्टर परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस ओया खिलोमो उनको धन्यवाद करती हूँ। हमारे पास्टर आइजक सर को, हमारे पास्टर ग्लैडविन सर को भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सही वचनों को हम तक लाने के लिए और हमें ज्ञान से भरने के लिए धन्यवाद पास्टर। सबसे पहले मेरी एक गवाही है कि जब संडे को आना है तो सीड लेकर आना है, सीड को लेकर आना है। तो मैंने सोचा अभी कांदिवली जाना है तो मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है, और मैंने सोचा पहला दादर जाऊंगी, दादर से माल थोड़ा ले लूंगी और बाद में कांदिवली जाऊंगी। तो मेरे पास 3,000 रुपये थे, तो मैंने सोचा रे और थोड़ा पैसा होता तो ज़्यादा माल ले लेती थी। तो उतने में मेरी एक सहेली आई और सहेली को पूछा आपके पास 4,000-5,000 रुपये है क्या, मैं 2-4 दिन में वापस दे दूँगी। तो उन्होंने कहा कि 5,000 तो नहीं है, 4,000 मेरे पास है, आप ले सकते हैं। उन्होंने मेरे को 1 घंटे में वो पैसे ला के दिए। तो जैसे ही दूसरे दिन संडे आया और मैं सुबह चर्च निकली, सारी तैयारी की और छुट्टे पैसे का एक पॉकेट रहता है, छुट्टे पैसे वहाँ पे उसमें रहते हैं मेरे माल के, जो माल बेचती हूँ उसके, और जो 500 का नोट रहते वो अलग रहते। तो वो निकली तो छुट्टे पैसे का पॉकेट ढूंढने लगी, हाँ वहाँ वो पॉकेट ही नहीं मिल रहा था। मैं 5-10 मिनट हुआ तो भी नहीं मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी वो उसमें क्या 100-150 रुपया होएगा, अभी उसमें टाइम जाएगा तो अपना 10 बजे का चर्च लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने वो ढूंढना छोड़ दिया और तुरंत निकल आई चर्च में। और चर्च में पास्टर ने सीड के बारे में ही सिखाया सब कुछ, और वो वचन मेरे हृदय में इतना लगा। तो फिर मैंने वहाँ पर सीड बोया। सीड बोने के बाद में जैसे चर्च छूटा मैं गई दादर, दादर से माल वगैरह खरीदा और माल बिल सब खरीद के भी मेरे पास थोड़े पैसे बच गए। तो मैं बोली ठीक है अभी थोड़ा पैसा बचा है, उसमें और थोड़ा पैसा डाल के उस औरत को मैं वापस दे दूँगी, ऐसा अपना मन में सोचा। और मला कांदिवली आ गई। कांदिवली में जैसे ही पास्टर आए, पास्टर ने भी सीड के बारे में वहाँ पर वचन सिखाया, और बाद में मैं देखती हूँ कि वहाँ पर सारे लोग मतलब पॉकेट में अपना सीड भर रहे थे। तो मैं सोची अरे सुबह में तो मैंने वहाँ पर सीड दी है, यहाँ पर भी देनी है। तो मैं बोली अरे मेरे पास तो पैसे है, मैं क्यों वापस पैसे लेके जाऊँगी, ये अच्छा मौका है, मैं वापस सीड दूँगी। क्योंकि वचन में कहा था कि जो रोते रोते बोते हैं वो हंसते हंसते काटेंगे, और मैंने ऐसे ही वो सीड उधर वहाँ पर बो दिया। और चर्च छूट गए, हम लोग रात को घर में आ गए, और जैसे सुबह हो गया तो मेरे साथ में प्रशंसा रहती थी, वो उसने कहा कि अभी क्या नाश्ता बनाए, तो मैंने कहा कि उनको रवा बना। तो जैसे ही वो कांदा काटने लगे और मैं उनको बोला कि ले लो डब्बे में रवा रहेगा, तो वो नहीं, जल्दी उन्होंने नहीं लिया, इसलिए मैंने क्या किया कि मैं बोली चलो मैं उठ के उनको दे दूँ, और मैंने उठ के उनको वो रवा दिया। और जैसे ही रवा का पूड़ी निकाला तो नीचे पैसे थे, वो चमत्कारिक पैसे थे। और मैं बोली यहाँ पर पैसे कहाँ से आए, और मैं पैसे गिने तो वो 6,000 रुपये थे। मुझे पता भी नहीं था कि उसमें पैसे हैं, कहाँ से पैसे आए, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद में फिर दोपहर में मैंने सोचा कि चलो अभी शाम को माल बेचने की तैयारी कर दी, वो पाकिट छुट्टे पैसे का कहाँ पर रखा है, चलो ढूंढते वापस। मैंने ढूंढना शुरू किया तो वो मुझे पाकिट मिला, उसमें 100-150 रुपये नहीं थे, उसमें 1,700 रुपये थे। वो भी मेरे पास चमत्कारिक पैसे आए, वो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करती हूँ। वो चमत्कारिक पैसे इसीलिए आए कि हमने सीड बोया था, सीड बोया इसलिए हमारे पास इतने वो चमत्कारिक पैसे परमेश्वर ने दिए। उसके बाद में मैंने वो 1,700 रुपये गिने और मैं बोली चलो 1,500 रुपये अलग पॉकेट में रखते हैं और ये 200 रुपया शाम के लिए माल बेचने को लेके जाते हैं क्योंकि छुट्टा लगता है। तो बाद में मैं वो जब रखने गई,
1,500 दूसरे पॉकेट में, तो उसमें वो छुट्टे पैसे 150 नहीं थे बल्कि 20-20 के और 50-50 के नोट, वो गिने तो वो भी 500 रुपये निकले। इतना सारा चमत्कारिक पैसा मेरे पास आया, इसलिए परमेश्वर के नाम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, पास्टर सर को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये सही सिद्धांतों को हम तक लाने के लिए, हमें सिखाने के लिए। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम लोग भी इस पार्टनरशिप में जुड़ना है, दशमांश देना है, हर एक्टिविटी में जब हम परमेश्वर को बीज बोते हैं तो उसका परिणाम हमारे तक आता है। और ये बात, ये गवाही मेरे सेल में भी मैंने बताई, और उनको जो पास्टर ने हमें बोला कहा वो सब मैंने वहाँ पर सेल में बताया, तो मेरे सेल के सारे लोगों ने उस दिन मंगलवार को 50-50 से भी एक भी कमी नहीं दिया, सभी लोगों ने 50-50 रुपए की ऑफरिंग दी। इसलिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ, फिर एक बार सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे साथ जुड़ जाइए और आप भी इस मौके का आनंद को उठाइए। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे, खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं, खड़े हो सकते हैं। वाह, जोर से ताली बजाएंगे इनके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुशी है कि आप यहाँ हैं, और छोटी सी प्रार्थना वो कर लीजिए ताकि वो अनंत जीवन आपके अंदर काम करे, सही ना, इसकी जरूरत है। तो आंखें बंद कर लीजिए और इस प्रार्थना को मेरे पीछे कहिएगा, दिल से मानकर मुंह से बोलना है, अपने मुंह से बोलना जरूरी। बोले, हे प्यारे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरे और आपने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो आज हमेशा के लिए जीवित हैं। मैं आज अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, मन में विश्वास करके, कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर के पुत्र मेरे प्रभु मेरे स्वामी हैं। आज से मैं नया जन्मा हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। इस समय भेंट देने का, दशमांश देने का, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, धन्यवाद, धन्यवाद ये मौका हमें देने के लिए, अनुग्रह हमें देने के लिए प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे हमने दिया है, इसकी बढ़ी हुई आशीषों को हम ग्रहण करें आपके वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम। इन भेंटों के ऊपर हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, राज के विस्तार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खड़े होंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, परमेश्वर की दया के लिए, करुणा के लिए, धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूँगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Practice the word of God. Practice it. It's like when I teach about money, I tell people you can practice playing what I call the money game. It's a very simple thing. I say, start using little amounts. See how it works. Because it works. It's a principle. It's a principle. You can multiply your money. Very, very simple principle. It's a spiritual money game. God says, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together and running over shall men give into your bosom. Simple. So, I take the money. I give. It might be small, but I can watch this little amount of money multiply. You see it? Now, with that understanding, I can make someone who is poor
grow financially until he's rich. You see it? It's a simple thing. Learn it. Listen, God's word is for us to do. It's for practice. You do it. वो दिन दूसरे दिनों जैसा ही होगा। और फिर अचानक से बहुत से लोग गायब हो जाएंगे। हर जगह अफरा तफरी होगी। बहुत ही शॉकिंग खबर आ रही है। विश्व में करोड़ों लोग अचानक से गायब हो गए जिनका कोई भी पता नहीं लग रहा है। बहुत सारे प्लेन क्रैश और मोटरबाइक एक्सीडेंट हुए बहुत सारे देशों में, जहां पर पायलट और ड्राइवर रहस्यमय रूप से गायब हो गए। ब्रेकिंग न्यूज, सड़कें करीब करीब खाली है जहां पर विश्व जूझ रहा है अचानक से अरबों लोगों के गायब होने की परेशानी से। हमें नहीं पता क्या हुआ, पर हमें यह पता है कि लाखों लोग लापता है पूरे विश्व में। सैनिक अभी भी खोए हुए लोगों को ढूंढ रहे हैं और सरकार ने लोगों से कहा है शांति बनाए रखें। बहुत सारी फोन कॉलों के उत्तर नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं। किसी दिन अवश्य होगा, जल्दी ही, यीशु मसीह के चर्च का स्वर्ग में उठना। चूकिएगा मत रैप्चर से। जिस दिन मसीह इस विश्व से उठा लिए जाएंगे उसी दिन न्याय शुरू हो जाएगा। और सीखने के लिए कि कैसे यीशु मसीह के चर्च के स्वर्ग में उठाए जाने के लिए अपने आप को तैयार कैसे करें, प्लीज नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू एंड गॉड bless you.